अस्सलाम वालेकुम। मैथ चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 12। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा? 6x स्क्र प्लस 5x के ऐसे दो पार्ट्स करें जिनको मल्टीप्लाई करें, 6x² आ जाए, ऐड या माइनस करें तो प्लस 5x आए। ये दो पार्ट्स कौन से होंगे? प्लस 3x प्लस 2x। ठीक है, इसको हम किस तरह लिख लेंगे फिर? x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। नेक्स्ट क्या होगा? फर्स्ट टू टर्म्स में देखें, x² प्लस 3x में से x हम कॉमन ले सकते हैं, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 3। लास्ट टू टर्म्स में 2 और 6 में से दोनों इवन है, 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले ले, प्लस 2 इंटू नेक्स्ट क्या रह जाएगा? x प्लस 2 3 6, एक्स प्लस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रैकेट एक जैसी है, ब्रैकेट कॉमन, x प्लस 3 इंटू बाकी क्या रह गया? x प्लस 2, इसको भी हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये क्या बन जाएगा फिर? x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये दो फैक्टर्स आ गए किस एक्सप्रेशन के? एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 के। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड एक्सप्रेशन एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 12। तो पहले हम फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्र इंटू माइनस 12, ये क्या बन जाएगा? माइनस 12x स्क्र। नेक्स्ट माइनस 4x के हमने दो पार्ट्स करें जिनको मल्टीप्लाई करें, माइनस 12x स्क्र आ जाए, ऐड या माइनस करें तो माइनस 4x है, ये कौन से होंगे? माइनस 6x प्लस 2x। ठीक है, ऐड या माइनस करें माइनस 4x आएगा, मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? माइनस 12x स्क्र। ठीक है, इसे हम कैसे लिख लेंगे फिर? एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12। फर्स्ट टू में x कॉमन, x इंटू एक्स माइनस 6, प्लस लास्ट टू में 2 कॉमन, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6, ब्रैकेट एक जैसी, ब्रैकेट कॉमन, x माइनस 6 इंटू नेक्स्ट क्या रह गया? x प्लस 2। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर देखिए दोनों एक्सप्रेशन में कौन सा है, x प्लस 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, x प्लस 2 क्या है? ये कॉमन फैक्टर है दोनों का, ये क्या होगा? HCF होगा, HCF क्या आ जाएगा? x प्लस 2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स क्यूब सेकेंड क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 27, एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 27, 2x स्क्र माइनस 18। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस 27, ये एक्स का क्यूब है, 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, ये फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकेंड का क्यूब बन रहा है। इसको एक्सपेंड कर दे, क्या आएगा? फर्स्ट माइनस सेकेंड, एक्स माइनस 3 इंटू फर्स्ट का स्क्र, एक्स का स्क्र प्लस सेकेंड का स्क्र, 3 का स्क्र, छोटी ब्रैकेट में माइनस है, बड़ी में प्लस, फर्स्ट इंटू सेकेंड, एक्स इंटू 3, ये क्या बन जाएगा फिर? एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटू 3 प्लस 3x प्लस 3 का स्क्र 9, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 9। नेक्स्ट के एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 27। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 27, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करें, माइनस 27 एक्स स्क्र, अब प्लस 6x के ऐसे दो पार्ट्स करें जिनको मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाए? माइनस 27x स्क्र आ जाए, तो प्लस 9x माइनस 3x, ये क्या आ जाएगा? प्लस 6x। फिर यहां पर क्या लिखेंगे हम? प्लस 6x की जगह प्लस 9x प्लस माइनस 3x। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27। फर्स्ट टू में x कॉमन, x इंटू एक्स प्लस 9 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9, ब्रैकेट एक जैसी, ब्रैकेट कॉमन, x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 3। नेक्स्ट देखें, 2x स्क्र माइनस 18। ठीक है, पहले 2 और 18 में से 2 कॉमन आ जाएगा, नेक्स्ट देखें x स्क्र माइनस 9, एक्स स्क्र के x का स्क्र माइनस 9 किसका स्क्र है? 3 का स्केयर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स का स्केयर माइनस 3 का स्केयर, 2 इंटू नेक्स्ट क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर, अब ये दोनों तीनों जो एक्सप्रेशन थे इन तीनों में क्या आ रहा है? x माइनस 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होगा? x माइनस 3, HCF क्या हो जाएगा? x माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्र प्लस x,
एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर। अगेन तीन एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हम उठाते हैं एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। फैक्टराइजेशन करें इसकी, पहले क्या करेंगे एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो एक्स कॉमन, फिर नेक्स्ट क्या होगा फर्स्ट का स्क्वेयर, ठीक है एक्स का स्क्वेयर है प्लस लास्ट क्या है वन का स्क्वेयर है, दरमियान में क्या है माइनस है, माइनस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये क्या बन रहा है एक्स इंटू नेक्स्ट क्या बन रहा है ये फर्स्ट माइनस सेकेंड होल का स्क्वेयर। फर्स्ट क्या है यहाँ पर एक्स है, सेकेंड वन है, ये क्या बन जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वन होल का स्क्वेयर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, तो एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स की जगह प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, ठीक है। फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स हम कॉमन लेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, ब्रैकेट एक जैसी ब्रैकेट कॉमन, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करें माइनस फोर एक्स स्क्वेयर, ठीक है। एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बन जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो अब प्लस थ्री एक्स के हमने ऐसे दो पार्ट्स ढूंढे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस फोर एक्स स्क्वेयर आ जाए, ऐड या माइनस करें तो प्लस थ्री एक्स ये, तो ये कौन से होंगे एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस फोर, ठीक है। तो ये क्या होगा प्लस फोर एक्स माइनस एक्स, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस फोर एक्स के, ऐड या माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा प्लस थ्री एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हम क्या लिखेंगे फिर एक्स केयर प्लस फोर एक्स माइनस फोर। फर्स्ट टू में देखिए क्या है एक्स कॉमन होगा एक्स इंटू एक्स प्लस फोर, लास्ट टू में माइनस वन कॉमन, कुछ भी नहीं कॉमन तो वन कॉमन लेंगे और ये माइनस दोनों के साथ आ रहा है माइनस वन कॉमन, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर, बाहर माइनस कॉमन लिया हमने, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, फिर क्या होगा x प्लस फोर ब्रैकेट एक जैसे ब्रैकेट कॉमन, एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस वन, कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में x माइनस वन, एस सी एफ क्या होगा ये x माइनस वन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ओके अल्लाह हाफिज़।